जनता चाह रही है कि तीसरा पर्याय तो हम लोगों को यही बताते हैं कि आज तक जो हो रहा है आपने लोगों ने जैसे तीसरा पर्याय चुनना चाहिए तो तीसरा पर्याय ये बी एस पी है बहुजन समाज पार्टी हमारा कार्य भी है हम लोगों तक जाते भलाई हम पावर में नहीं रहे मगर हम पास से लोगों जैसे चुन के भी आते हैं तो लोगों की समस्या हम सुलझाएंगे सत्ता का संग्राम महाराष्ट्र में जब से इलेक्शन का माहौल हुआ है तो खासकर जो विदर्भ का बेल्ट है यहाँ पर जितने भी विधानसभा है हम जो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उम्मीदवार हम उनसे रूबरू हो रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं अभी हम जुड़े हैं सावनेर कड़मेश्वर विधानसभा जो नागपुर ज़िले के अंतर्गत आती है और एक काफ़ी हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक विधानसभा है जहाँ पर कभी भाजपा और कभी कांग्रेस इन्होंने हमेशा से जीत कर महाराष्ट्र के असेंबली में यहाँ से पहुँचे हैं आज हमारे साथ ताराबाई गोरकर मैडम है गोरखेड़े मैडम जो जो अधिकृत उम्मीदवार है बीएसपी की आपका स्वागत है मैडम थैंक यू हम देखते हैं कि हमेशा ये जो विधानसभा है कड़ेश्वर और सावनेर विधानसभा ये एक बॉर्डर विधानसभा है मध्य प्रदेश से लगकर महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है हाँ। और विदर्भ का ये अंतिम छोर है पर हम देखते हैं कि हमेशा चाहे वो किसानों के मुद्दे रहें बेरोजगारी के मुद्दे रहें या फिर महंगाई के मुद्दे रहें तो जो रोजमर्रा के जो मुद्दे हैं, जो जीवन में जो अफेक्ट करते हैं चाहे कांग्रेस रहे या भाजपा रहे हमेशा इन विधानसभा पे ज़्यादा प्रगति नहीं मिलती है क्या आप लेके जा रहे हैं चुनाव में मुद्दे जैसे बाबा साहब ने संविधान में लिखा था एक व्यक्ति एक मत और एक मत की एक कीमत तो जैसे बाबा साहब ने ये भी बोला था तो संविधान कितना भी अच्छा हो चलाने वाले लायक नहीं रहेंगे तो अच्छा के अच्छा संविधान उसको साबित नहीं कर पाते और संविधान कितना भी बुरा हो चलाने वाले अच्छे लोग रहे तो वो संविधान सा अच्छा साबित हो सकता है तो जो सावनेर में जो राजनीति चल रही है घरअंदाज तो वो कैसा है मनुवादी पार्टियों से बिलोंग करते हैं उनके पास सत्ता का पावर है तीन बार चुन के आए चौथी बार भी चुन के आए मगर उनके इसमें कभी भी उन्होंने समाज का हित नहीं देखे इधर गरीब के गरीब होते जा रहे बड़े आप लोग आप आरोप लगा रहे हैं और विगत 1987 से हाँ। 1987 से आप राजनीति में अग्रसर हाँ। है हाँ। हाँ। बहुजन समाज में हाँ। और हाँ। साथ ही साथ 1992 में आप ग्राम पंचायत सिल्लेवाड़ा से जीतकर भी गए जीत पर आप बीजेपी और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं पर एक तरफ बीजेपी बोलती है कि हम महाशक्ति बन रही हैं और कांग्रेस बोल रही है कि हम देश को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में रही तो हम प्रगति आ, कर रहे हैं महाराष्ट्र में प्रगति किया है पर आप आरोप कैसे लगा रहे हैं ये बात हमने पास से देखी है जैसे हम बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं सोशल वर्कर है समाज के मुद्दे लेकर जाते हैं और फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा के महापुरुषों के कांशीराम साहब के विचारधारा से प्रेरित है तो हमें सूझबूझ है हम वाचक है तो हमें ये सब मुद्दे ये जो हो रहा है तो हमें हमें उनकी पूरे पूरी जानकारी है समाज में हम घूमते हैं तो लोगों की समस्या महंगाई आजकल वो अभी जो सरकार सत्ता में है वो खाजगीकरण कर रहे हैं पेट्रोल के दाम डीजल जो जो मुद्दे हैं आज जो लोगों को आसानी से मिलना चाहिए वो आसानी से नहीं मिल रहा उन्होंने अभी चावल उन्होंने सस्ते में बाट शुरू किया लोगों को समझ में नहीं आ रहा अच्छा जो किराना बाट किराना बांट रहे।, हाँ, रहे हैं आज, की हो हाँ, हाँ, कांशीराम साहब बोलते थे कि भाई हमें ऐसा भारत बनाना चाहिए कि पचास रुपए किलो का चावल हम ले सके तो इसलिए जो अभी इलेक्शन का माहौल है घर घर पैसे बांट रहे है अच्छा हाँ उन्होंने सब चुपचाप चुपचाप सब चल रहा है हमको अनुभव है ये बात का तो यही बात होती है कि लोगों को पाँच साल आप चुपचाप रहो हम खरीद है आप लोगों को ये बात हुई है हम देखते हैं कि कांशीराम जी हमेशा ये बोलते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा हाँ। किस तरीके से देख रहे हैं 2024 में इस वाक्य को और क्या रणनीति अपना रहे कि चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे हाँ। इनके आ, हाथ में तो सावनेर और कड़मेश्वर रहा है हमेशा हाँ। तो ये बहुजन समाज पार्टी के तरफ आने के लिए आप क्या रणनीति देख रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि दो में जब अठारह से ज्यादा मतों से बहुजन समाज पार्टी ने बढ़त बनाई थी हाँ उनको वोट मिले थे पर सन 2009 रहे सन 2024 रहे या 2019 रहे यहाँ वोट का मत प्रतिशत कम पड़ा है तो आप किस तरीके से मतदाताओं को देखते हैं और आपको क्यों चुना जाए सावनेर के लिए किस तरीके से देख रहे हैं देखो जो दो पार्टी है ये बीजेपी और कांग्रेस इनमें जो चुन के विधायक आए हैं ये घरअंदाज पद्धति ये रेडीमेड तैयार होके आए हैं हम बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा यह है कि हम ग्रास रूट से जुड़े हैं लोगों की समस्या हम पास से जानते हैं और समस्या ही नहीं जैसे कैसा है कि इतना अंदाज सावनेर विधानसभा में तो इतना अराजकता फैली हुई है कि हम बता नहीं सकते डर यानी लोग भी डरते डर के साय में डर के साय में हम खुलेआम नहीं बोल पाते अच्छा। माँ

इतिहास में हम उठाते हैं तो सावनेर और कलमेश्वर को जीत कर गए हैं हाँ। तो क्या दो परिवारों के इर्द गिर्द कलमेश्वर और सावनेर की विधानसभा रह गई है ऐसा आपको लगता है नहीं अभी तो लोग बहुत जागरूक हो गए जनता जनता चाह रही है तीसरा पर्याय तो हम लोगों को यही बताते हैं कि आज तक जो हो रहा है आपने लोगों ने जैसे तीसरा पर्याय चुनना चाहिए तो तीसरा पर्याय ये बी है बहुजन समाज पार्टी हमारा कार्य भी है हम लोगों तक जाते भलाई हम पावर में नहीं रहे मगर हम पास से लोगों को जैसे चुन के भी आते हैं तो लोगों की समस्या हम सुलझाएंगे हम क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं हम विकास का मुद्दा चल रहे हैं अच्छा। महंगाई बेरोजगारी और पा, पानी की समस्या है ये जगह-जगह पे बहुत काम ऐसे आसानी से नहीं हो रहा है लोगों के तो हम जैसे हम चुन के आते हैं तो लोगों को आसानी से हम रोजगार दे सकते उनकी जो समस्या है हम दिल से हम तय दिल से हम उनकी समस्या का ग्रास रूट कार्यकर्ता भी रही है हाँ। यानी आपने जमीन की राजनीति देखी है हाँ। पर जो घराने शाही की आप बात कर रहे हैं हाँ। ये यानी एक तरीके से पब्लिक के बीच में जो जुड़ाव रहना चाहिए उस जुड़ाव को किस तरीके से आप जोड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से हाँ। क्योंकि ये कुनबी एक फैक्टर काफी यहाँ अफेक्ट करता है हाँ। इस विधानसभा में मेजोरिटी इन आ, मतदाता वो ही हाँ। लोग हैं हाँ। तो हमेशा इस सूट इस सीट पर एक कास फैक्टर का अफेक्ट किया है तो आप किस तरीके से रिझा रहे हैं और किस तरीके से रोजगार बेरोजगारी हाँ। और महंगाई के मुद्दे आप पेश कर रहे हैं लोगों के आगे हाँ। वो क्या है ओबीसी समाज जो है इनका जो इन्होंने ज्यादा इतिहास कि इधर ध्यान नहीं दिया हमारे लिए किसने क्या किया शाहू महाराज ने उनके लिए जैसे बावन टक्के ओ बी सी है उनको सत्ताईस आरक्षण दे के उन्होंने समझाया था जैसे उन्होंने ये समझाया था कि घोड़े घोड़े गो, को टोकने में चने हाँ। डाल के जैसे एग्जाम्पल दिया था छोटे घोड़े छोटे घोड़े बड़े घोड़े बड़े घोड़े छोटे घोड़े को मार के भगा देते थे तो उन्होंने सीधी सी बात समझाई शिवाजी महाराज का इतिहास रहा शिवाजी महाराज का इतिहास मैंने स्वराज्य की स्थापना की थी शिवाजी महाराज ने और शिवाजी महाराज के राज्य में सभी समाज का स्वागत होता था मुस्लिम समाज का भी स्वागत होता था और सभी समाज समान थे मगर इन ओबीसी समाज का ये ये हो गया क्योंकि मैं आंगनवाड़ी सेविका भी रही बहुत सारी सहेली में समाज की भी है तो उनको मेरे बात पड़ती थी मगर उनको इतिहास पढ़ा नहीं इसके वजह से तो वो गंभीरता से बात नहीं रख पाती और ओबीसी समाज जो है तो उनको गलत फहमी में है जैसे हमारे लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया ऐसा नहीं किया वैसा वो बोलते हैं अंत में क्या मराठी में आप मैसेज देंगे आपकी जो विधानसभा में मराठी भी एक भाषा बोली जाती है तो मराठी समझने वाले जो मतदाता है उनको क्या अपील करेंगे आप कम शब्दों में सर्व सर्व बहुजन समाजाला अपील करते कि वेस Uh, कुठलाही उमेदवार बहुजन समाज पार्टीचा असेल त्यांना हत्ती या चिन्हावर बटन दाबून त्यांना विजयी करा आणि बहुजन समाज पार्टी फुले शाहू आंबेडकरी महापुरुषाची विचारधारा आहे आणि आदरणीय कांशीराम साहेबांची ही देण आहे बहुजन समाज पार्टी आणि बहनजीला जर आपल्याला प्रधानमंत्री जर बनवायचं असेल तर आपल्याला संपूर्ण विधानसभा महाराष्ट्रातून आपल्याला बहुजन समाज पार्टीच्याच नेत्यांना निवडून आणावं लागेल कार्यकर्त्यांना निवडून आणावं लागेल आणि मी आ, मी पण स्वतः म्हणजे उमेदवार आहे मला पण हत्तीवर वोट दाबून मला प्रचंड बहुमताने विजयी करायचे हेच माझ्या जनतेला लगभग से ज्यादा पर बहुजन समाज पार्टी सन दो हजार चोवीस का जो विधानसभा इलेक्शन है कॉन्टेस्ट कर रही है हम देखते है बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक महाराष्ट्र में खाता नहीं खोला पर एक उमेद गोरखड़े मैडम बता रही है अपने मतदाताओं को से बात कर रही है हम बता रहे थे कि सावनेर और कड़मेश्वर की जो विधानसभा है एक तरीके से किस वजह से इफेक्ट करती है और यहाँ के मतदाता किस तरीके से किस उम्मीदवार के तरफ जाएंगे आप जुड़े रहिए आवाज़ के साथ आपका धन्यवाद मैडम धन्यवाद